बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक वीडियो संदेश जारी किया गया है जिसमें वो तख्ती लिए हुए खड़े हैं इस वीडियो में नवाज ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट में पता चला है कि वो कई धर्मों से मिलकर बने हैं लेकिन वो सौ फीसद कलाकार है दरअसल नवाज बिना कुछ बोले इस वीडियो के जरिए धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं आपको बता दें कि नवाज इन दोनों फिल्म मंटो की शूटिंग में जुटे हुए हैं आप अभी आप थोड़ी ठेकेदार है मतलब के आप ठेकेदार है मतलब के क्या नहीं ठेकेदार है ना आपने बारह 13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं पर जो किताबों के पढ़ आपने पढ़े हैं आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं ओ भाई साहब भाई साहब ना बिल्कुल सही भाई साहब भाई साहब डॉक्टर साहब मेरे पेरेंट्स हिंदू थे पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूं मैं अपने को इंसानियत मानता हूं इंसान मानता हूं चांस मैं जमा हूं हिंदू जगह घर और आप जमे हैं इस्लाम के घर और दूसरे जमे उनके घर पर सबसे ज्यादा है इंसानियत और अभी तक मजहब ने कोई भी मजहब हो इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूं बाल मेरे सफेद हो गए हैं रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूं पर जो किताबों के पड़, आपने पढ़े हैं आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं हजारों साल बाद लिखी हैं पहले एक जबान की बात होती थी कोई राम 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 कह के उसके कावत है मर 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 कहने लगा उसको पूजना है वेला ऐसी थी ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी एब्राम से लेके मोसेस तक और आपके मोहम्मद साहब के तक आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी तो, चालीस पचास कोई भी हो पर मुझे माफ करना साहब मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूं हम सब इंसान है इंसान को एक करके सब मजहबी फर्स्ट सेंचुरी में इंसानियत मजहब क्यों नहीं बनाते जो आप ठहरा मैंने अभी खत्म नहीं किया जना खत्म नहीं किया हाँ मैं ये कह रहा हूं साहब आप अपना पर्सनल मजहब है रखिए अपने घर में रखिए बस स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए वार ना करिए लड़ाई ना करिए एक माफी चाहता हूं ऐसी हजारों चीजें मैं दूसरे मजे में निकाल सकता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खलीफा चालीस साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, इसेस्ने, हुए और अली साहब जो थे वो ग्रैंड सर हमारे पिगम्बर के थे ये चीजों के हवाला दूसरों में भी है मैं हजारों दे सकता हूं, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता साहब ने अच्छा सवाल पूछा लंबा था तकरीर थी छोटी भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है इंसान है क्यों ना हम एक मजहब इंसानियत बनाते हैं उनका जो कहना है वो इंसान है भाई साहब हर शख्स हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है लेकिन सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है इंसान होना जरूरी है हर मुसलमान पहले इंसान होना जरूरी है उसे इस्लाम की सारे बातें एक भी बातें मैंने कहा तकरीर में इंसानियत के खिलाफ नहीं है एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूं आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान हो ही नहीं सकते लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए दसवीं पास करना जरूरी है फिर बारहवीं फिर डॉक्टरी तो मैं कहूंगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है लेकिन स्कूल पास करना काफी नहीं है तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है समझ क्यों क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है जिसने आपको पैदा किया जिसने आपको पैदा किया उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है आप कहते हैं कि मजहब जितने मजहब है सब भेदभाव पैदा करता है नफरत पैदा करता है आपने कहा शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना उनकी भी स्टडी है मेरी भी स्टडी आपकी भी स्टडी है आपने कहा कि मैंने दस बारह साल के आपने तीस साल किए अगर आप तीस साल किए उसका मतलब ना कि आप मुझसे अच्छे हैं जरूरी नहीं मैंने ने कहा कि आपने कहा मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा मैंने कब कहा कि आपने कहा मैं कह रहा हूं मैंने कब कहा कि आपने कहा मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि 30 साल की स्टडी की मैं हिंदू मजहब पे भी चंद साल के अलहमदुल्ला सुम्मा अलहमदल्ला कई शंकराचार्य से बात की कई स्वामी जी से बात की कई फ्रिस्ट और फादर से अमेरिका में की मैं तो अभी तक जवान हूं माशाल्लाह अल्लाह का फजल है अल्लाह का फजल है आपने कहा कि मजहब भेदभाव करता है ये कहना बिल्कुल गलत है मजहब भेदभाव नहीं करता जो मजहब के मानने वाले हैं, वो मजहब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते हैं और अलग बात है गलती है मजहब के मानने वाले की मजहब की नहीं ये कह रहे कि मजहब की मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज़ कार है मर्सिडीज़ कार है मुझे ये जानना है कि मसिडिस का कितनी अच्छी है तो एक ड्राइवर मसडिस का चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं मर्सिडीज का को ठोक देते तो किसकी गलती है मर्सिडीज़ गाड़ी की ड्राइवर की अगर आपको जानना है मर्सिडीज़ का कितनी अच्छी है तो आपको यह देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन उसका पावर कितना है हॉर्स पावर कितना है माइलेज कितना है सेफ्टी मेजर कितना है उसकी तहकी करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो अगर देखना है तो मोहम्मद वसल्लम को देखो आप मुझे मत देखो मुझे मत देखो हमारे आज के मुसलमान को मत देखो देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है वो मोहम्मद है उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो और चेकी करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मजहब किताब बाद में लिखी गई पहला कहना था आप काफी हद तक के सही है आप काफी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते लेकिन यह कहना कि सारी मजहब की किताब उसमें गलती है अक्सर मजहब कितने किताब है वेद हो उपनिषद हो बाइबल हो ओल्ड टेस्ट हो न्यू टेस्ट हो आपने का मुसा सलाम से लेके वहा था लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की मोहम्मद वहां गलती की आखिर में आके आप अटक गए आखिर में आके आप फंस गए आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होगी अगर आप कोई मजहब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मजहब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो आप अगर अरुण शरी की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के करा कहेंगे ये किधर का सही फैसला है न मैं कहता हूं अरुण शुरी जैसे लोग की पड़ी होंगी क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों साहबा से उसकी तिलावत करते थे और साहबा फ़ौरन उसे लिख लेते थे

सारा कुरान मजीद मोहम्मद की मौजूदगी में लिखा गया आप जो कह रहे हजरत उस्मान का जिक्र कर रहे वही तो अफसोस की बात है आपने सही मुता किया ही नहीं हजरत उस्मान ने पचास साल बाद, बाद जो आप कह रहे हैं चालीस पचास यहां से आपको उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर तो उसको दूर करने के लिए हजरत उस्मान उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद की मौजूदगी में था अपनी बीवी को दिया था अफसा को और जो हजरत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था उनने लिया और साहबा पांच छह साहबा जो जैद बिन थाबित उनकी सदारत में उसकी नकल की और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूजियम में कोप्टा की म्यूजियम इस्तानबुल में तो आप जो तो जिक्र कर रहे वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था उनने खुद उसको चेक की क्या सही था और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर आप सही है मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल सेवेंटी इयर्स बाद लिखा गया है वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है कितनी पुरानी वेद कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं वो आपके हिसाब से स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड 1310 आप अभी आप थोड़ी ठेकेदार है मतलब के आप ठेकेदार है मतलब के क्या नहीं ठेकेदार है ना हां इसलिए ओ भाई साहब भाई साहब ना बिल्कुल सही भाई साहब भाई साहब भाई साहब इसीलिए इख्तलाफ जो है ये कम इलमी के वजह से वेद का वेद का क्या नहीं भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्ड स्क्रिप्ट वेद है वो कुछ हिस्टोरियंस कहते बट ओल्ड होना मतलब नहीं क्या सही जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना जरूरी नहीं मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है पचास साल पुरानी उसका मतलब नहीं नई गाड़ी से अच्छी है ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है मेरे पास कार है पांच साल पुरानी जो नई मारुति से अच्छी होगी तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मजहब पुराना इसलिए बेहतर है बिल्कुल गलत है जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज़ नहीं वो चीज़ बेहतर 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 वो है जो हक के ऊपर है जो चीज हक के ऊपर है वो चीज बेहतर है तो भाई साहब आप आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पर जरा जरा कमजोर और गलत है आपको फिर से और तीस साल लगाने पड़ेगा इंशाला इंशाला